नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में काफी अच्छे पड़ाव पर हैं। एक तरफ जहां हाल ही में उन्हें करण जौहर की फिल्म में एंट्री मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है। बता दें पिछले साल यानी 2021 में श्रद्धा आर्या ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड राहुल नागल संग 16 नवंबर को सात फेरे लिए थे। उस दौरान श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि राहुल और वो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि श्रद्धा के पति राहुल एक नेवी ऑफिसर हैं। हालांकि जब भी श्रद्धा और राहुल को वक्त मिलता है तो वो एक साथ टाइम स्पेंड जरूर करते हैं। ये भी कहना गलत होगा कि श्रद्धा और राहुल बेशक ज्यादा वक्त साथ नहीं रहते हों, लेकिन दोनों के बीच बेशुमार प्यार है। इसकी झलक श्रद्धा वक्त वक्त पर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा आर्या ने अपने राहुल नागल की लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की थी। वैसे तो श्रद्धा को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर इंटरव्यू में श्रद्धा ने कहा कि राहुल से शादी का फैसला उन्होंने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में लिया था। कुंतली भाग्य एक्ट्रेस का ये भी कहना था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाएंगी। इंटरव्यू में श्रद्धा ने कहा कि करीब एक साल वो राहुल के संग रिलेशनशिप में रही, हालांकि उस दौरान दोनों ने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। श्रद्धा ने ये भी बताया कि उन्हें सबसे पहले राहुल से नहीं बल्कि यूनिफॉर्म से प्यार हुआ था। एक्ट्रेस ने बताया था कि राहुल ने से उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। श्रद्धा का कहना था कि उनके पति उस दौरान मुंबई में ही रहते थे। वैसे तो दोनों का एक ही शेड्यूल काफी व्यस्त रहता था, लेकिन हर मौके पर वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे। इसी दौरान जब राहुल की पोस्टिंग किसी और जगह हुई तो दोनों को अपने प्यार का एहसास हुआ। तब राहुल और श्रद्धा ने इस रिश्ते को शादी का नाम देने के बारे में सोच लिया। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।